turn around, I feel the breeze over. Eternity later. हेलो गाइस, मॉर्निंग टाइम और आज हम निकल रहे हैं आबू के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी हुई कि पहले हमें रुकना था बोड़कदेव गुरुद्वारे के पास, लेकिन जो सेंटिल है उसकी बाइक हो गई है पंचर, तो अब जाके रुकेंगे हम सोला। काफ़ी अच्छा माहौल है सुबह का वक्त, ठंडी हवा है। ऑल इज सेट, तो हम लोग निकलेंगे अभी। 5 बज रहे टाइम हो रहा है और मंथन हमें मिलेगा सिद्धपुर के पास, तो वो हमें वहाँ से ज्वाइन करेगा और उसके बाद हम लोग आगे कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू। और सिद्धपुर से लगभग 40 किलोमीटर जैसा है हम अभी, और मंथन वेट कर रहा है वहाँ पे। पालनपुर से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे खड़े हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, चाय पी ली है और मंथन भाई ने भी ज्वाइन कर लिया हमें, वो अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये रहे बाकी के सब। सेट रेडी, अब ये जैकेट के अंदर भी बहुत पसीना हो रहा है, बहुत। एक तो थर्मल मैंने पहन रखा अंदर, अभी निकाला नहीं है।
और अभी 50 किलोमीटर लगभग ये स्पीड मेंटेन रही तो हम 1.25 घंटा मान के चलो खर्च लेंगे। सुमेश भाई हमारे आगे, पीछे मंथन भाई, सेंटेल और फिर राहुल, ये लाइनअप पर अभी का यहाँ से कंटिन्यू रहेगी जर्नी। बीच में अगर मैं ले सकता हूँ शायद स्टॉप, क्योंकि जो मैंने अभी अपना मोबाइल माउंट कर रखा है वो ग्लाइडर के ऊपर है, जो हेलमेट है ऑफ रोड है उसके अंदर में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो ड्रैग है वो बढ़ जाता है।